birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Megha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Megha. Happy birthday to you. ओह हेलो यूट्यूब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हो गया है 24 अगस्त 2022 और दिन आज हो रहा है बुधवार का, और 24 अगस्त यानी कि आज मेघा का बर्थडे है। तो सबसे पहले आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू मेघा, और उसके बाद जस्ट मॉर्निंग हो गई है अभी। हाँ मतलब मेरी मॉर्निंग है, बाकी लोगों की दोपहर हो चुकी है। सो जस्ट जागूँ और अब मैं नाश्ते की तैयारी करूँगा साथ साथ। जो है थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, एक बज चुका है अभी, और नाश्ते के लिए थोड़ा सा चीज़ें इकट्ठी कर लेता हूँ। सो कल दो तीन दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रहा, लाइक लास्ट दो दिन से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। सो उसका कारण ये है कि 26 तारीख को मेरी हाई कोर्ट की एक डेट है। सो हाई कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 26 तारीख की। सो मैं उसकी प्रिपरेशंस के लिए बिजी हूँ, और कल भी मतलब मैं लॉयर्स को मिला था, पूछ रहा था, मतलब सारी चीज़ें हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था कि क्या चीज़ें होंगी जो हमें करनी है, चांसेस कितने हैं, कैसे क्या है। सो वो सब चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, बाकी एक दो चीज़ें और जैसे गली में रोड्स वगैरह डल रहे हैं, तो पानी की पाइपलाइन का भी कुछ इशू वगैरह हो गया था, तो वो सब चीज़ें भी है। बट मेजरली ये था कि जो कोर्ट वगैरह का चक्कर है, उसके चक्कर में मैं नहीं डाल पा रहा था कोई वीडियो एंड एवरीथिंग। तो अभी दिन की शुरुआत हुई है, तो दिन की शुरुआत वही नॉर्मल अपने रोज़ वाले तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने जो नाश्ते की तैयारी अभी फ़िलहाल शुरू कर दी, क्योंकि सबसे लंबा टाइम इसी में लगता है, और अभी मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मैं देख लेता मैंने कब रखा है इन एग्स को बॉयल होने के लिए। सो सबसे ज़्यादा टाइम एग्स बॉयल होने में लगता है, तो मेरे वजह 1:10-11 हो रहे हैं अभी रखा है, तो 10-12 मिनट्स तक इसको बॉयल करूँगा। बाकी थोड़ा बहुत दिनचर्या जो मेरी रेगुलर एक्सरसाइज मतलब रेगुलर एक्टिविटी है, वो सब अब मैं करूँगा कि क्या मैं रेगुलरली करता हूँ जब मैं जागता हूँ। ऑन जनरल टर्म्स क्या होता है, जब मैं काम खत्म करता हूँ तो ना सब चीज़ें समेट देता हूँ, बट आज ऐसा हुआ था कि जब काम फिनिश किया ना, तो आई वॉज फीलिंग अ लिटिल मोर टायर्ड, तो मैंने ये सब नहीं किया था। और लाइट ख़राब हो गई है, लाइट के लिए आज इलेक्ट्रिशियन आएंगे, एक तो काम और है वो इलेक्ट्रिशियन ने करने हैं, बट अभी मुझे मेरे काम है, मैं सोच रहा हूँ ये सब समेट दूँ, बिकॉज ऐसा फैला हुआ ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। आई होप किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा। सो तो हाँ, मेजरली जितना वाइंड अप का काम था वो मैंने कर लिया है, मेजर काम हो गया है, कुछ छुटपुट काम, तो मतलब ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है जो मेजर। वाइंडिंग अप का काम था जो मैंने कल नहीं निपटाया था, तो वो निपटा लिया मैंने। अब मैं ज़रा सा ब्रश वगैरह कर लेता हूँ, फ्रेशन अप हो जाता हूँ, तब तक एग्स भी बॉयल हो जाएंगे, नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। सो वेलकम बैक टू द व्लॉग। शाम हो गई है और मैं जिम से वापस आ गया हूँ, और आज आपको ना इस वीडियो में हो सकता है लगे कि थोड़ी सी लाइटिंग कम है, बिकॉज मेरे रूम की ट्यूब लाइट है ना, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि मैं वेट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन का आने का, तो इलेक्ट्रिशियन जी अभी आए नहीं है। सो लाइट ऑन हो जाती है, लेकिन इट स्टार्ट्स ब्लिंकिंग कुछ इस तरह से अभी, देखिए। हाँ सो ये हो रहा है, इस कारण से मैंने इसको बंद कर दिया था, और एक लाइट और मैंने जहाँ वो सेटअप किया था वो भी ख़राब हो गई है। सो आई हैव टू सी फॉर बोथ देम। सो अभी तो चलिए जिम विम से तो आ गए हैं, बढ़िया सा नहाना धोना भी हमने टाइम से कर लिया। सो अब बारी है क्या, अब भारी है इस फ़ोन को ओपन करने की। एक्चुअली इस हाथ से ओपन होगा तो कैमरा बदल लेते हैं, तो फ़ोन को ओपन करेंगे, और फ़ोन ओपन करने के बाद ना हम लोग बात करते हैं मेघा से, क्योंकि आज
मेरी प्यारी बहन मेघा का बर्थडे है, तो चलिए शुरू करते हैं मेघा से, मेघा को विश करने के लिए। सो अब यहाँ पर बारी है मेघा से वीडियो कॉल करने की। सो मैं वीडियो कॉल मिला लेता हूँ मेघा को। आई होप वो फ्री हो इस टाइम, बिकॉज शी इज़ अ बिजी गर्ल एज वी नो। सो शुरू करते हैं वीडियो कॉल को इससे। सो मैं एक बार फिर मिला लेता हूँ उसको फ़ोन। हाँ अब ठीक है। हाँ हैप्पी बर्थडे। और कैसी तबीयत है तेरी, अब जो खांसी वांसी हो रही थी? और ये क्या कर रही है, चुईया लेटी हुई है? ओए क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? मैं मंकी। अरे मंकी क्या खा रहे हो? अच्छा, अरे वाह। मम्मी को तुमने गिफ्ट विफ्ट दिया तो दिया, कोई सरप्राइज गिफ्ट वगैरह कुछ दिया तुमने मम्मी को? दिया। क्या दिया है? रात को दिया। गुल्लक में से 450 रुपए निकाल के दे रही थी। देख ले, उसने तेरे को सारी अपनी पूंजी, सारी पूंजी दे दी उसने तेरे को अपनी, देख ले है ना। फिर तूने ली नहीं? ले लेती इससे इसकी सारी जमा पूंजी। मैंने सुना है ये तेरे से लड़ रही थी किसी दिन, कह रही थी मैं तेरे सारे पैसे ले लूंगी जब तू बूढ़ी हो जाएगी। है, है भाई दियो, मैंने सुना है तुम मम्मी से लड़ रहे थे। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ लड़ रही थी, मैंने सुना है तेरे से, कह रही थी तेरे सारे पैसे ले लूंगी जब तू बूढ़ी हो जाएगी, 18,000 रुपए। है भाई दियो, तुम लड़ रहे थे मम्मी से। और बता बाकी शैंकी कहाँ है, काम पर गई नहीं अभी तू? उधर घर पे ही होगा अभी तो। गई नहीं अभी? अभी नहीं गई। अच्छा, और मौसी जी की तबीयत कैसी है? ठीक ही है। चल अच्छी बात है। और बता बाकी कब आ रही है? क्या देखूं? टैटू। अरे वाह, ये तो क्या बना है, मक्खी बनी है ये तो। मक्खी है क्या ये? मक्खी नहीं। हाँ बटरफ्लाई। क्या बना है? बटरफ्लाई। अच्छा अच्छा, और तुमने केक वेक नहीं लाए दी मम्मी के लिए? रखा हुआ है। कब काटोगे? पता नहीं। क्यों पता करो, बताओ बताओ, बोलो मंकी। ज्यादा हंसी आ रही है, ज्यादा हंसी आ रही है। हैं बच्चे? सो आज एक बार फिर से मैं आपकी इस जो है कमरे की लो लाइट सेटिंग के साथ आप लोगों का वेलकम कर रहा हूँ। सो अभी मेघा से बात करी, उसे विश किया। दोनों ही माँ बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। मेघा भी थोड़ी सी बीमार चल रही है पिछले कुछ दिनों से, और साथ ही दीव को भी सुनने में आया कि मतलब अभी जैसे मेघा ने बताया कि लूज मोशन है, तो इस कारण से स्कूल वगैरह नहीं जा रही है, स्कूल मिस हो रहे हैं और घर पर है। तो मैंने बात करी थी, और उस बात के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है कि भाई उसके जो है पिगी बैंक है, जो उसका गुल्लक है, उसके अंदर कुछ आई गेस 400-450 रुपए थे, 430 रुपए के अराउंड इफ आई रिमेम्बर। सो वो निकाल करके वो मेघा को गिफ्ट कर रही थी और बोल रही थी ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। तो वो अपनी तरफ से एक बर्थडे गिफ्ट दे रही थी मेघा को, जो उसने गुल्लक में 350-400 रुपए जोड़े थे, तो सरप्राइज गिफ्ट था वो मेघा का। सो दैट वॉज प्रिटी नाइस टू हियर, प्रिटी नाइस टू नो। अभी फिलहाल मैं बात, जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी, सो जैसे मैं कह रहा था ना कि कभी कभी लगता है कि लाइफ थोड़ी सी जो है डिफिकल्ट सी हो गई है, थोड़ा सा थकावा सा महसूस होता है। तो वो इस कारण से नहीं कि जैसे मेरा केस चल रहा है या एवरीथिंग। सो ये तो एक जो फॉर्मेलिटी है, या एक ये जो कह सकते हैं कि काम है जिसे मैंने खुद चुना है, तो आई हैव टू जस्ट गो अबाउट इट। फ्लैग मैंने उतार दिया, धोने के लिए डाला है, तो जब वो धुल जाएगा, सूख जाएगा, तो वापस से फ्लैग यहाँ दिखेगा। क्योंकि जब मैं इस फ्रेम में वापस आया था, तो मैं वही सोच रहा था कि मेरा ये फ्लैग कहाँ गया, मेरा परम प्रिय फ्लैग। आजकल पापा जी की आंख के साथ भी ये लग रहा है, जैसे पापा जी की कैटरेक्ट का दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो पापा जी की लेफ्ट वाली आई है, लेफ्ट वाली आई है पापा जी की। उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो उसके लिए मंडे को पापा जी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, दिखानी होगी उनकी आंख कि क्या दिक्कत है। वो रेडिश हो जाती है, उसमें दर्द होता है और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। ये प्रॉब्लम है। बाद में मम्मी जी की भी अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, मम्मी इज़ नॉट एबल टू
वॉक और सिट, तो मतलब चलने फिरने में उनको फिर से दिक्कत आनी शुरू हो गई है। सो ये चीज़ें हैं जिससे लगता है कि जैसे मैं थक सा गया लाइफ से, बट नेवर माइंड। थकना या फिर हारना या फिर जो है बीच में छोड़ देना, ये चीज़ें नहीं नहीं करना चाहता मैं कभी भी, ना ही मैंने आज तक लाइफ में कभी करी है। सो आई 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 वुड लाइक प्रेफर, आई वुड लाइक अगेन कलेक्ट माई सेल्फ, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से वापस ट्रैक पर आएं और सब चीज़ों को फिर से ठीक करें। मम्मी पापा की तबीयत का जो जिम्मेदारी है उसे भी ठीक से निभाएं। हाँ, बट ये बुरा लगता है जब पापा मम्मी की आँख, मतलब पापा जी की आँख में थोड़ा सा इशू है, मम्मी की ओवरऑल हेल्थ पे थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट है उनकी बैड हेल्थ, और सबका खाना पीना उनका थोड़ा सा कम हो गया, बाकी मेरे बारे में तो बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं वो। विच इज़ ऑल्सो कंसर्निंग इशू टू मी, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली क्या क्या बोल सकते हैं आप, एक्सेप्टेबल। एक माँ है, वो सब सोचती रहती है, बहुत समझाता हूँ लेकिन वो समझती नहीं है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं उनको क्या करूँगा जिससे वो चीज़ें समझ लें, बट वो एक माँ का दिल है, आई गेस वो इस तरह से ही काम करता है। आई आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट बिकॉज आई एम येट टू बी अ पेरेंट, ऑल दो आई हैव अ किड। कौन है वो बच्चा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन है वो बच्चा मेरा। अब बाकी यही चीज़ है, यही चीज़ है जिससे लगता है कि मैं थोड़ा सा हार सा रहा हूँ, थक सा रहा हूँ, बट आई नीड टू कलेक्ट माई सेल्फ। इसीलिए 2 दिन भी बीच में गायब हो गया। कल तो चलिए लॉयर के पास गए थे, वहाँ से आने के बाद एनर्जी नहीं बची, और हाई कोर्ट की डेट है 26 को। आई होप चीज़ें पॉजिटिव हों, कुछ टर्न आउट हो। लेट अस प्रे फॉर द बेस्ट। आज के इस वीडियो को मैं अंत कर लेता हूँ, और आज के वीडियो को अंत करते हैं हमेशा की तरह एक ऐसे फैक्ट के साथ जो कि कहीं ना कहीं हम अपने इस जो आज का वीडियो है उसके टॉपिक से रिलेट कर सकें। सो आज के वीडियो से रिलेट करता हूँ मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ, वो बर्थडे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज मेघा का बर्थडे, हमने उसे बर्थडे विश किया, तो बर्थडे से जुड़ा हुआ ये फैक्ट हम यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। सो बर्थडे सेलिब्रेशन, जैसे आजकल आजकल चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सो हर कोई एक्साइटेड होता है कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, और उसके बर्थडे पे लोग उसको और कुछ नहीं तो विश ही करें। बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत एक्साइटिंग होते हैं बर्थडेज, उनको एक अलग से ड्रेस और एक स्कूल में टॉफीज और ये सब, एंड दे जस्ट लव द सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे। तो बर्थडे उन लोगों के लिए सबसे बड़ा एक त्यौहार होता है उनकी लाइफ का, या उनके उस पर्टिकुलर ईयर का। सो बर्थडेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, अगर हम बात करें बर्थडे के ओरिजिन की, सो बर्थडे मनाने की शुरुआत देखा जाए तो रोमन लोगों ने करी थी, जो रोम के लोग थे वो लोग करते थे। और उन लोगों के अकॉर्डिंगली क्या होता था कि जब किसी बच्चे का मतलब बर्थडे होता था, या किसी भी पर्टिकुलर इंसान का बर्थडे होता था फैमिली में, सो द इंटायर फैमिली यूज टू कम टुगेदर, सारे दोस्त फैमिली, साथ ही जो बिजनेस कॉन्टैक्ट्स होते थे वो भी आते थे, और वो एक बढ़िया सा डिनर लंच कोई भी एक मील जो है ऑर्गेनाइज हुआ करती थी, जहाँ पर सब लोग एक साथ खाना खाते थे, गिफ्ट एक्सचेंज होते थे, और एक बर्थडे सेलिब्रेशन सा हुआ करता था। सो शुरुआत तो करी थी रोमन लोगों ने। और अगर बर्थडे से ही रिलेटेड बात की जाए तो जनरली ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और उसका फर्स्ट बर्थडे मनाया जाता है, तो वो हो जाता है 1 साल का, यानी कि मान लीजिए 24 अगस्त 2021 में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा, तो आज 24 अगस्त 2022 में उसकी एज हो रही होगी 1 साल। लेकिन हम बात करते हैं अगर चाइना की, तो चाइना में चीजें कुछ डिफरेंट है। चाइना में जब कोई बच्चा पैदा होता है, वो न्यू बॉर्न होता है, तो उसे कंसिडर किया जाता है 1 साल का। और जब पूरी दुनिया में, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल में बात करी कि 2021 24 अगस्त में जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो आज हुआ होगा 1 साल का, अगर वही बच्चा चाइना में पैदा होता तो आज वो बच्चा 2 साल का हो रहा होता, क्योंकि उसका पहला साल माना जाता 2021 में ही। ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो कि चाइना से जुड़ा हुआ है। तो किस तरह से लगा आप लोगों को आज का ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बर्थडे से जुड़ा हुआ, और साथ ही हमारे पड़ोसी देश चाइना से जुड़ा हुआ, आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया आप दे सकते हैं थम्स अप, आप जानते ही हैं, नहीं पसंद आया तो आप हमें थम्स डाउन भी दे सकते हैं। साथ ही आपके वीडियो आइडियाज़ का भी हम वेट करेंगे, बिकॉज जनरली ये होता है कि जब हम अपनी डेली लाइफ को शूट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मोनोटोनस से हो जाती है, एक ही तरह की चीज़ें एक ही तरह के दिन चलती है। सो आई डू नॉट वॉन्ट टू कंज्यूम द सेम थिंग्स एवरी न्यू डे। सो इफ यू हैव एनी वीडियो आइडियाज़, अगर आपके पास कोई भी वीडियो आइडियाज़ है, आप हमारे साथ कर सकते हैं शेयर, हम उन वीडियो आइडियाज़ पर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और वो वीडियोस आप तक लाएंगे। और फिर से वही कहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिटर है आप हमारे चैनल पर, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आर चैनल। हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं रोज एक व्लॉग। सो अभी फिलहाल के लिए मैं अनुराग वर्मा यहाँ पर लेना चाहूँगा आप लोगों से विदा। मिलूंगा आप लोगों से कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रहना है मस्त, स्वस्थ, जबरदस्त।
मिलता हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में, और हैप्पी बर्थडे टू यू मेघा।